साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आप ये जो कैल्शियम अपने पशु को खिला रहे हैं, आप जो पर डे ये 100-100 ml 200-200 ml जो कैल्शियम आप अपने पशु को खिला रहे हैं, इससे आपके पशु की एक दिन जान जाना निश्चित है। आपका पशु इन कैल्शियम से एक न एक दिन मर जाएगा, वो रोज़ बीमार होगा, वह पशु कभी ठीक नहीं होगा और आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह एक तरह का जहर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी सच्चाई मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि आखिर ये कैल्शियम आप खिला रहे हैं। कई पशु मालिक भाई रोज़ रेगुलर महीने में ख़त्म नहीं हुई 5 लीटर की फिर एक कैन लाते हैं, फिर पशु को, फिर भैंस को खिलाते हैं, अपनी गाय को खिलाते हैं 5-5 लीटर की। हर 15 दिन में एक कैन लाते हैं और पशु को खिलाते हैं और अपने पशु को दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आजकल लोग इन दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, इस कैल्शियम का प्रयोग कर रहे हैं और यही कैल्शियम आपके पशु की धीरे धीरे जान ले लेता है, आपको पता भी नहीं चल रहा, और पशु का दूध भी कम करते हैं, पशु की आदत भी बिगाड़ देते हैं और इनके कई तरह के साइड इफेक्ट है जो आपको मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। पशु मालिक भी इस वीडियो को गौर से देखना और डॉक्टर भी गौर से देना, क्योंकि डॉक्टर ही पशु मालिक को बोलते हैं कि सर आप यह कैल्शियम खरीदिए, पशु मालिक आप यह कैल्शियम खरीदिए, किसान को बोलते हैं आप यह कैल्शियम खरीदिए, इससे आपका पशु का दूध 5 लीटर बढ़ जाएगा, 10 लीटर बढ़ जाएगा, ऐसे करके इन कैल्शियमों को पशु मालिक को देने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो वह भी इस वीडियो को ध्यान से देखे, आप भी आज के बाद किसी पशु मालिक को ऐसे कैल्शियम दिलाना छोड़ देंगे। बने रहे वीडियो के एंड तक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली। तो साथियों ये जो कैल्शियम आते हैं बहुत सारी कंपनियां बनाती, अब जो कैल्शियम बनाने वाली कंपनियों की संख्या हज़ारों में, हज़ारों तरह के कंपनियों के कैल्शियम हमारे देश इंडिया में और बाहर भी आउटपुट भी जाता है हमारे देश से कैल्शियम, ताकि पशु का दूध बढ़ सके। लेकिन जब कैल्शियम ओरली पिलाने के लिए जब कैल्शियम नहीं आया था, उससे पहले भी हमारे देश में पशुओं को कैल्शियम मिल रहा था, वो कैसे, वो नेचुरल तरीके से मिल रहा था। लेकिन आजकल लोगों को ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कम खर्चा करें, हम पशु को कम खिलाएं और हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इस ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चक्कर में अपने पशु का नुकसान कर रहे हैं, उनको यह धीमा जहर खिला रहे हैं और अपने पशु को मार रहे हैं, उन खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में जहर पशु खाता है तो दूध के द्वारा उन किसानों के शरीर में प्रवेश करता है, धीरे धीरे जो आम लोग मार्केट से दूध खरीदते हैं उनके तक भी यह जहर पहुँचता है और वह भी बीमारियों का शिकार बनते हैं। तो सत्यो होता क्या है कि जब कोई पशु मालिक की भैंस कम दूध देती है, नस्ल का प्रभाव पड़ता है, किसी नस्ल की भैंस 5 लीटर दूध देती, किसी नस्ल की भैंस 10 लीटर दूध देती, कोई ऐसी नस्ल रहती है जो 25-25, 30-30 लीटर भी एक दिन में भैंसें दूध देती है, लेकिन वह नस्ल अलग रहती, उनको खाने के लिए कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उनका शरीर बड़ा रहता है, उस हिसाब से वो नस्ल के हिसाब से पशु दूध देता है। अब पशु मालिक क्या करता है, जो नॉर्मली देसी पशु है वो एक दिन में 2-3 लीटर दूध या 4 लीटर दूध नॉर्मली देती है भैंसें, और कोई कोई भैंसें 8-10 लीटर भी दूध देती है नॉर्मली। अब वो क्या करता है कि इन भैंसों से वो 20-20 लीटर दूध निकालने का सोचता है, और डॉक्टर भी यही सोचते हैं कि क्यों नहीं इस भैंस को हम ये कैल्शियम दिलवा दें तो वह भी हमारी 20-20 लीटर दूध देने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप जब जिस नस्ल में केवल 10 लीटर से आगे दूध देने की क्षमता नहीं है, उसको यदि आप कैल्शियम चाहे कितना भी खिला दो, दुनिया की कोई भी चीज़ खिला दो, आप 1-2 लीटर तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उस देसी भैंस से आप 30-30 लीटर दूध कभी नहीं निकाल सकते हैं, यही सच्चाई है। वो लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं, मैंने कई सारे लोगों को देखा इसी के पीछे पड़े हैं, चाहे उनकी भैंस पहली बार भी आई हो लेकिन उनको 15 लीटर दूध चाहिए, उस 15 लीटर दूध के लिए वो कई सारे कैल्शियम अपने एनिमल को खिला देंगे लेकिन उनको लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा। वो इसके चक्कर में बार बार कहने रिपीट करते रहते हैं, एक कैल्शियम लाया इस कंपनी का खिलाया, किसी ने बोल दिया उस कंपनी का लाओ, फिर उस कंपनी का खिलाया, ऐसे कर करके पशु खुद अपनी पैसों की बर्बादी करता और कुछ नहीं कर सकता है। तो सर तुम बात करें इन कैल्शियम की कि आप कौन सा कैल्शियम दे, आप कोई डॉक्टर बोल देंगे या कोई पशु मालिक बोल देगा कि सर हमारे यहाँ पर ऐसा चारा नहीं है जिसमें कैल्शियम नहीं है, तो बहुत सारे चारे हर चारा में, हर जो भी आप दाना बांटा खिला रहे हो उनमें कैल्शियम की मात्रा है ना है, ऐसा नहीं कि किसी में कैल्शियम नहीं है, हर चीज़ में कैल्शियम अवेलेबल नहीं। अगर जहाँ पर नहीं हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि बिल्कुल कैल्शियम की कमी के कारण ही दूध रुका हुआ है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कैल्शियम की कमी के कारण ही पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पशु 10 महीने तक दूध देगा तो 10 महीने तक आप यही कैल्शियम खिलाएंगे, यह भी आपकी गलती है, आपको यह भी नहीं करना है। अब इसके पीछे एक रीज़न हो रहे और मेन बात हो रही कि यहाँ पर लोग गलती क्या कर रहे हैं। अब जैसे ओस्टोवेड आ रही है, फाइटोकेल प्लस आ रही है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कैल्शियम बना रही है, इनकी कैल्शियम की प्राइस हाई है, 1000-1200 रुपये 1500 रुपये की एक 5 लीटर की कैन आती है। लेकिन मार्केट में मैं अभी देख रहा हूँ, फिलहाल मैं जहाँ पर घूम रहा हूँ वहाँ पर देख रहा हूँ, और कई भाई लोगों को कमेंट भी आ रहे हैं, कई डॉक्टर के मेरे पे कॉल भी आ रहे हैं
उनकी भी मैं सलाह ले रहा हूँ, उनसे भी मैं बातचीत कर रहा हूँ। और मुझे यह सब देखते हुए एक बात और समझ में आई है कि लोग और कुछ छोटी कंपनियाँ क्या कर रही है कि ये जो 5 लीटर की कैन है इसको 5 लीटर ही रख रही है, लेकिन इसकी कीमत उन्होंने 200 रुपये कर दी। यानी उसमें कैल्शियम तो बहुत कम है, लेकिन कचरा, केवल और केवल कचरा उन्होंने मिक्स कर दिया है, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत खतरनाक होता है। और किसान इसके लालच में आकर किसान क्या करता है कि अरे उस कंपनी की तो 1200 रुपये में 1500 रुपये में कैल्शियम मिल रहा है, तो क्यों ना हम 200 रुपये में कैल्शियम खरीद लें और अपनी भैंस का दूध बढ़ा लें। बस यही दिक्कत है हमारे इंडिया में, बस यही लोग लालची हो गए। लोग छोटी से छोटी कम से कम रुपए में ज़्यादा लाभ उठाना चाहते, उसी के चक्कर में जब आप सस्ता वाला कैल्शियम पशु को दे देंगे, जो कैन 200 रुपये में आपको 5 लीटर आ रही है, अब सोचिएगा उसमें क्या कैल्शियम होगा, 200 रुपये में क्या आता है, और वह भी पूरी 5 लीटर की कैन यदि आपको कोई दे रहा है तो पशु मालिक खुश होकर ले रहा है उसको, और वह जब अपनी भैंस को खिला रहा है। तो मैंने इन कैल्शियमों में देखा है कि वह कैल्शियम बदबू मारता है और वह कैल्शियम एकदम से ख़राब रहता है, क्योंकि उसमें कुछ भी गुण नहीं रहते, थोड़ा सा उसमें कैल्शियम रहता है, बाकी सब दूसरी चीज़ें मिक्स करके उसको घोल तैयार कर देते हैं 5 लीटर का, और यही आपकी भैंस को एक ना एक दिन कैल्शियम की कमी की ओर ले जाएगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम तो रहता नहीं। हो सकता वो कैल्शियम तोड़ने का भी काम करता है, उस कैन में कुछ ऐसा भी होगा जो कैल्शियम तोड़े, और वह कैल्शियम तोड़ के पशु को फिर क्या करता है, मिल्क फीवर में पहुंचा देता है, फिर आपको कैल्शियम चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे भी हमें इन कैल्शियमों में देखने को मिलता है, क्योंकि मैं भी एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छे खासे पता है कि हमारे फील्ड में इन दवाइयों में क्या क्या मिलावट आ सकती है, ये कैल्शियम में क्या होगा कि जो पशुओं के ऐसे ऐसे करेंगे तो वहाँ तक जा सकता है। इतना तो माइंड हम खुद लगा सकते हैं, इतना ज्ञान तो हम खुद में कि हम इन कैल्शियम को पहचान कर सके। तो हाथ जोड़कर मेरे पशु मालिक से और मेरे वेटनरी डॉक्टर भाइयों से निवेदन है कि आप सस्ता कोई भी कैल्शियम एनिमल को ना खिलाएं। ऐसा नहीं कि आपको 200 रुपये में यदि 5 लीटर की कैल्शियम की कैन मिल रही है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करें, आप उसको बिल्कुल परचेस ना करें, अपने पशुओं को ना खिलाएं। और मैंने बता दिया कि यदि आपकी भैंस की नस्ल यदि 4 लीटर दूध पर डे देने वाली है तो आप उसको कभी भी 25 लीटर वाली भैंस बिल्कुल भी नहीं बना सकते। अगर आपको 25 लीटर पशु का दूध लेना है तो उस भैंस की कीमत आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए में वो भैंस आएगी। आप कहीं से अच्छी नस्ल की भैंस को खरीद सकते हैं, उसको कैल्शियम खिलाएंगे तो वह बिल्कुल दूध देगी, क्योंकि उसकी नस्ल दूध देने वाली, मांस देने वाली नहीं है। इस बात का हमें समझना पड़ेगा, तभी जाकर हमें पशुपालन में अच्छे से उन्नति कर सकेंगे। एक बात और है कि ये कैल्शियम है, इसको आप कब खिलाएं? आप बोल देंगे सर कि हम इनको खिलाना बंद कर देंगे। जहाँ पर यदि आपको कैल्शियम की पूर्ति कमी लग रही है वहाँ पर आप इस कैल्शियम को एक कैन ही खिलाएं। यदि आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा है तो आप 2 कैन तक पशु को कैल्शियम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें पशु को कैल्शियम नहीं देना, क्योंकि ऐसा नहीं कि दूध इसी से बढ़ेगा और किसी से बढ़ेगा नहीं। चारा, बांटा, दाना, बहुत सारे खली वगैरह जो अच्छे जो नेचुरल तरीके से जो प्रकृति द्वारा हमें मिलते हैं पशुओं को खिलाने के लिए, वही यदि आप सही टाइमिंग से, अगर पशु का डाइजेशन सही रहेगा, टाइमिंग सही रहेगी, पानी सही समय पर पिलाएंगे, खल दर दाना माटा यदि आप सही समय पर रखेंगे, तो इस कैल्शियम किसी भी कंपनी का कैल्शियम आपको खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप नेचुरली तरीके से यदि भैंस को अच्छी रखेंगे तो वह नॉर्मली जितना दूध दे रही उतना आराम से देगी, आपको कोई भी कैल्शियम देने की वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको कैल्शियम देना है तो आप नेचुरली जो कैल्शियम मिलता है वो अपने पशु को दे सकते हैं, तो आपका पशु भी ठीक रहेगा और कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कैल्शियम ना खरीदें, मेरे कहने से आप ये कैल्शियम ना खरीदे तो ही ठीक रहेगा। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि यह अच्छी कंपनी है, कि ये मैनकाइंड की कंपनी है, इसका 1500 रुपये वाला कैल्शियम आया था यह खिला दे, कोई ज़रूरत नहीं इनको खिलाने की। जो नेचुरल तरीके से जो आपको पशु को कैल्शियम मिल रहा है वह खूब है, इनसे दूध नहीं बढ़ता। यदि हाँ आपको लग रहा है तो 1 कैन या 2 कैन आप खिला के देख ले, इसके बाद बंद कर दे, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों का शेयर और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचा, ताकि वह भी इस जो फालतू कैल्शियम जो पैसा बिगाड़ रहे इससे बचे। और कई भाई लोग अब यह भी कमेंट करेंगे कि सर पशु मालिक बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आपने गलत बोल रहे हैं, हमारी भैंस तो बिना कैल्शियम के दूध ही नहीं देती, तो वह क्यों नहीं देती, उसका दूध क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि उसको अब आदत लग गई है। जब किसी को लत लग जाती है, जब किसी चीज़ की लत लग जाती है ना, तो उसके बिना वह दूध देगी ही नहीं, उसका दूध फिर कम हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह कैल्शियम लत लगाता है पशुओं की। इस ब्यांत में यदि आपने कैल्शियम दे दिया है, अच्छा दूध दिया था, अगली ब्यांत में यदि आपने कैल्शियम नहीं दिया तो ये फिर आपको पिलाना पड़ेगा, यह बहुत बड़ा झंझट है, इसको मैं अच्छे से समझ गया हूँ। तो इसकी लत लग जाती है, आप जब यह कैल्शियम बंद कर देंगे तो आपका पशु फिर दूध कम देगा, दोबारा से इस कैल्शियम को खिलाने की जरूरत आपको पशु को पड़ेगी, मेन कारण यही है। तो आप ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का, और अपने दोस्तों के साथ और पशु मालिक के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वह भी इससे बच सके और अपने पशु को नॉर्मली कैल्शियम खिलाए। तो साथ ही मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।